सपोज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी, ऑल राइट जी। सो लेट मी स्टार्ट। ओके जी, किसी तरह से ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आई सी दिस, बहुत छोटा नहीं किया जा सकता। चलें जी, लेट्स लेट्स स्टार्ट। ओके जी, ऑल राइट जी। सो आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, एंड वी विल गोइंग टू कवर समथिंग रियली रिमार्केबल। अच्छा, इट सेज एक्चुअली हमने रोबोट्स के लिए आज एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो आपके सामने यहाँ पे काफी मजेदार मजेदार तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें सारी बेसिकली कुछ प्रॉब्लम सेट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिफोर आई रीच देयर लेट मी टॉक अबाउट व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग। तो आपके सामने यहाँ पे एक लेबरिंथ नजर आ रही है। लेबरिंथ इज ये जिसका रास्ता तलाश करो वाली, आपके सामने एक संपूर्ण कोई मेज नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, आपने करना क्या है? प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास एक रोबोट है। अच्छा, यू कैन अज्यूम कि रोबोट के पास क्या क्या चीजें। सो लेट मी ओपन माई नोटपैड। सो अज्यूम दैट यू हैव अ रोबोट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम ए रोबोट। ठीक है, और रोबोट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। सो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट? सो रिक्वायरमेंट इज द फॉलोइंग। रिक्वायरमेंट इज कि आई विल गिव यू टू इक्वेशंस। आई विल गिव यू एनी टू इक्वेशंस। सो लोकेशन वन। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है? सो इज रोबोट, सो व्हाट्स द टारगेट? टारगेट मैं आप आस्ता आस्ता इंक्रीमेंटली टारगेट बढ़ाऊंगा। सो एडमिट। ओके, सो रोबोट शुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग। सो रोबोट शुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग। ठीक है, पहले हम टास्क नंबर वन करते हैं, और वो टास्क क्या है? वेदर द पाथ एग्जिस्ट बिटवीन L1 एंड L2। तो दैट्स टास्क नंबर वन। ठीक है, फिर होगा जी, इफ पाथ एग्जिस्ट। ठीक है, वेदर द पाथ, इफ वेदर द पाथ एग्जिस्ट बिटवीन L1 एंड L2। इफ पाथ एग्जिस्ट फाइंड ए पाथ, एंड आई एंड वी डोंट केयर वेदर द पाथ is an efficient path, is an efficient path or not. It should be just a path. It should be just a path. ठीक है, एंड द थर्ड टारगेट विल बी, आई होप आई वी विल, मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे, लेकिन हो सकता है हम आज ही बात कर लें। तो ये कि फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, व्हिच मींस एफिशिएंट पाथ। ठीक है, सो एवरी आई सपोज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम व्हाट वी आर अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है ना, सो प्रॉब्लम ये देख लें। सो हमने बेसिकली एक, हमें क्या मिला होगा? हमें बेसिकली एक मेज मिली होगी जो कि सामने नजर आ रही है, और आपको दो लोकेशंस मिली होंगी, और वो दो लोकेशन कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्क्रीन पे पॉइंट कर लूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ये मुझे लोकेशन मिलती है, ये जे लोकेशन मिल जाती है और एक एल लोकेशन मिल जाती है। ठीक है, मुझे बताएं जे से एल पे पाथ एक्सेस करता है? नहीं करता। हाउ डू यू नो? एल कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। या ठीक है, सो जे से एल पे मैं नहीं जा सकता।
So the robot should immediately tell that I can't go from G to L. What about H? J or H mila phir? Now I have to look at how I can reach it. That's the question. So the thing is, everybody understand the question. कि आपने जो रोबोट को प्रोग्राम करना है वो ये इस मेज में से गो थ्रू करेगा और बताएगा कि मैंने पाथ निकालना है, कैसे निकालेंगे. ठीक है, पहले तो सवाल ये कि क्या मैं पहुंच सकता हूँ. ये बता दे कि आपने, फॉर एग्जाम्पल, ये जो रोबोट है ये बेसिकली आपने मार्स पे भेजा है और मैं उसे दो लोकेशन बताता हूँ, यार तुमने यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है. तो सम हाउ इट शुड बी एबल टू टेल whether I will be able to reach there or not. And the second question will be how to reach there. ठीक है, ये जो पहला सवाल है ये important इसलिए है क्योंकि अगर path exist ही नहीं करता तो उसे ढूंढने की जरूरत क्या है. अगर path exist करता है तब ही उसको path ढूंढने जाना चाहिए. लेकिन जब तक हम पूरा एक्सप्लोर नहीं करेंगे हमें तो नहीं पता चलेगा कि path exist करता है या नहीं करता. वो देखते हैं हम कैसे करता है. ठीक है, Everybody understand? ठीक है, कोई इश्यू है तो प्लीज बताइएगा. ठीक है, बट एवरीबडी सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करनी है आपने. आप डिफरेंस बताए, सवाल समझ में आ गया. सवाल ये आपके सामने तीन सवाल लिखे हुए हैं जिनके ऊपर हम बारी बारी सॉल्व करेंगे. सो यू वॉन्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ऑफ द रोबोट्स, वेदर द पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू लोकेशन. ठीक है, इफ द पाथ एग्जिस्ट फाइंड अ पाथ. And I don't care what that path is. It should be just a path. And the second most important thing is find the efficient path. And what do I mean by efficient? पहले और दूसरे पॉइंट में बस ये फर्क नहीं कि पहले वाले में आपको already explored होना चाहिए. अब ये बात करते हैं, ये पूरी बात करते हैं explore का मतलब क्या है यहाँ पे. ठीक है, so everybody understand the question. कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, हाँ जी. अच्छा जी, अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ. ये सवाल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है, और ये रोबोटिक्स में आपको जगह जगह मिलता है. ठीक है, अच्छा, अब जो मैं अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूँ वो ये कि यूजुअली अब एक तरीका कार ये है कि अब मैं रोबो सवाल पहला सवाल ये है कि इस मेज को स्टोर कैसे किया जाए. अब ये मेज जो है वो फिजिकल मेज है. फिजिकल मेज का मतलब क्या है? बेसिकली रोबोट जो है, अगर मैं मार्स की बात करूं तो मार्स बेसिकली मार्स पे बेसिकली उससे उसको ये पूरा मैप बताया जाएगा तो पूरे मार्स का वो होगा. ठीक है, वी हैव रिमूव्ड द 40 मिनट लिमिट और एलिजिबिलिटी. वाह, ठीक है, ओके. यार ये मीटिंग स्टॉप, ओहो मैंने ओके दबाना सीखा. अच्छा खैर, अच्छा जी, आप सुने बात. पहला सवाल तो ये है कि इस मेज को स्टोर कैसे करें. यानी अब सवाल मेरा ये है कि इस मेज को स्टोर कैसे करें. आप स्टोर कह रहे हैं या स्कोर कह रहे हैं? स्टोर. यानी मुझे डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में बताओ कि इसको स्टोर कैसे करें. पहला सवाल तो मेरा ये है कि इस मेज को स्टोर कैसे करें. That's a very stupid ब्रेक में हमने बताया हुआ था कि इस एक्स वाई के ऊपर वॉल एग्जिस्ट करती है और ये एक्स वाई खाली है. यहाँ पे तुम्हें कहीं वो तो तुम ये कहना चाह रहे हो. सो तैयब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस पूरी की पूरी टू डायमेंशनल, मैं इसके हर पिक्सल को रिकॉर्ड करूं. यस, अगर आप हर पिक्सल को रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली आपको ये सारे के सारे इमीडिएट डॉट्स सेव करने पड़ेंगे. सर, अगर हम ट्री बनाए. ट्री आ गया, ट्री क्या से आ गया? ट्री क्या चीज है भाई? सर, जैसे जे ई और आई पे डायरेक्ट जा सकता है तो वो ई और आई उसके चाइल्ड होंगे, इस तरह करके कुछ. लेकिन बेसिकली ट्रैवर्स करने के लिए भी है, आपको पाथ पता होना चाहिए. ट्रैवर्स आप वो अगले को पता है, वो देखेंगे कैसे करना है.
एक मतलब चीज ये हो सकती है कि मैंने जो सेकंड सेमेस्टर में यूनिटी में बनाई थी ना गेम मैथ में, उसमें मैंने ये किया था कि हर इस तरह का पॉइंट जहां से एक से ज्यादा रास्ते निकलते थे उधर मैंने एक चेक पॉइंट रख दिया था। अच्छा जबरदस्त पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट। तो ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली उस चेक पॉइंट पे आप जा सकते हैं, उधर से आगे फिर आपको अलग कुछ चूज करना पड़ेगा। अच्छा मैं अगर उस लिहाज से चलते हैं, एक मिनट सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर उस लिहाज से चलते हैं ना तो इसके अंदर यहाँ पे सी नहीं आना चाहिए था और एफ भी नहीं आना चाहिए था, सी नहीं आना चाहिए था और एफ भी नहीं आना चाहिए था, जी भी नहीं आना चाहिए था। राइट राइट राइट। अच्छा सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा अब ना जो रोबोट्स बेसिकली, अब जो पहले मैं रमेश ने बात की ना उस पॉइंट को मैं निगेट करता हूँ कि व्हाई आई मीन Do you all agree that storing all the dots, all the positions of this map is a very stupid idea? Because it will going to make your... Because if I look at this, this maze is looking at the paper, which is very small. But now, if I have sent that maze, which I have sent on Mars, which is the Curiosity robot, if it has saved every one, where it is going, it will die. It will not have space. उसको तो पता नहीं सर, 1 किलोमीटर का डेटा स्टोर करने के लिए पता नहीं कितने टेराबाइट चाहिए, तो वो तो एक बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। सबको समझ में आई बात? अगर उसने सारे डॉट सेव कर दिए ना तो वो एक बड़ी बड़ी एक मुसीबत में फंस जाएगा। और ये सारे डॉट सेव करने की जरूरत ही क्या है? यानी ये जो सारे इंटरमीडिएट डॉट्स हैं, ये जो सारी प्लेसेस हैं, अगर मैं इन सारों को और इवन यहां कभी कोई अगर मैं सेव करने की कोशिश करूं तो ये एक बहुत ही फजूल सा काम है और बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग काम है और स्टोरेज वाइज भी बहुत ज्यादा कॉस्टली। ये बात समझ? सो व्हाट एक्चुअली मेजेस के अंदर हम बेसिकली करते क्या है रोबोट्स के लिए, कि रोबोट बेसिकली यूजुअली क्या होता है कि यहां से ना वो एक्चुअली एक साउंड सिग्नल भेजते हैं, साउंड सिग्नल हो गए या लाइट सिग्नल हो गए, वो भेजते हैं यहां से यहां भेजा, फिर यहां से यहां भेजा, और बेसिकली इस रीजन के जितने भी पॉइंट्स हैं ना उनको वो बेसिकली फिर यहाँ से यहाँ भेजा और यहाँ से यहाँ भेजा, यहाँ से यहाँ भेजा, और इन सारे पॉइंट्स को वो एक ही पॉइंट कह देते हैं। जितना भी कनेक्टेड रीजन जा रहा है ना इन सब को बेसिकली इस पूरे रीजन को यानी आई से लेकर यहाँ से लेकर जब तक कि अगली लोकेशन आ नहीं जाती, जो सारी लोकेशन है ना जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जब तक कि अगली इंपॉर्टेंट लोकेशन आ नहीं जाती वो यहां से यहां तक बेसिकली क्या करता है, इन सब को वो एक ही जगह पर स्टोर कर देता है। तो बेसिकली क्या करता है, जितने भी जंक्शन पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके लिए, इन सब को वो नोट करता है और कहता है किस जंक्शन पॉइंट से किस जंक्शन पॉइंट तक मैं लाइट सिग्नल भेज सकता हूं। ठीक है, लाइट सिग्नल हो गया, साउंड सिग्नल हो गया, या कोई भी एक एनर्जी जो है वो ऐसा जिसके थ्रू बेसिकली मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज डन इज कि बेसिकली इस मेज को हम कन्वर्ट कर देते हैं, पता है किसके अंदर, बेसिकली इस लोकेशन के अंदर। सो व्हाट इज डन इज ये आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये जो जे है और ये जो आई है, ठीक है, मैं जे से आई पर पहुंच सकता हूँ, मैं जे से आई तक जा सकता हूँ, यस, क्योंकि मैं जे से आई तक पहुंच सकता हूँ, तो मैं जे को एक गोला बना दूंगा जिसको बेसिकली कहते हैं कि ये मेरा एक वर्टेक्स है, ठीक है, और आई को जो लोकेशन है उसको मैं आई एक वर्टेक्स बना देता हूँ, जे से मैं आई पे जा सकता हूँ, और जे से मैं बेसिकली अगर आप देखें तो मैं ई पे भी जा सकता हूँ, ठीक है, और आई से मैं जे पे भी जा सकता हूँ, और आई से मैं कहाँ जा सकता हूँ, आई से मैं ई भी जा सकता हूँ। तो वैसे कहते यहाँ पर आपको ये जो नजर आ रहा है, ये ट्रायंगल जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो तस्वीर है ये बेसिकली इसी की कन्वर्जन की हुई है। और फिर अगर आप ई से देखें तो ई से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ई से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ई से डायरेक्टली बेसिकली मैं इस जंक्शन पॉइंट बी पे जा सकता है, ई से मैं, तो बेसिकली मैंने सिर्फ मैंने सिर्फ मैंने
यानी मैंने सिर्फ ऐसे पाथ की बात करनी है जिसमें मैं किसी यानी मैं बगैर किसी को क्रॉस करता हुआ वहां तक पहुंच जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो बी पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, तो बेसिकली ई से मैं फिर बी पे जा सकता हूँ, ठीक है, और बी के थ्रू क्रॉस करता हुआ फिर मैं ए पे जाऊंगा, तो वो मैं फिर मैं बी को कहूंगा कि बी बी से मैं बेसिकली ए पे जा सकता हूँ, तो बी से ए पर भी जाया जा सकता है यहाँ पे, और बी से कहाँ पे जाया जा सकता है अगर आप यहाँ इस अगर मैं ये वाला पाथ लेता था, बताएं जी बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, बी से मैं एफ पे जा सकता हूँ। यू कैन एक्चुअली सी कि बी से दो एजेस जा रही है ये और ये, ठीक है, इनको बेसिकली ये जो इसने ये जो कनेक्शन बनाए ना इनको सी एल्गोरिदम की जबान में एजेस कहते हैं, क्या कहते हैं, एज कहते हैं, और ये जो जंक्शन पॉइंट्स हैं इनको सी ये एल्गोरिदम की जबान में वर्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। Everybody understand? ठीक है? So basically what you have done is कि इसके इतने सारे पॉइंट सेव करने से बहुत बेहतर है कि मैं इसको इस पिक्टोरियल नोटेशन में सेव करूं, ठीक है? अब मेरा एक और सवाल है, अब वो सवाल ये है कि इस पिक्टोरियल नोटेशन जो है क्या मैं इस तरह सेव करूंगा, ये जो मैंने सेव किया है क्या मैं इस तरह सेव करूंगा, ये कैसे सेव हो सकता है, रूट्स से नोड्स फॉर्म में, इस फॉर्म में नोड्स, नोड्स की फॉर्म में, ये क्या बात है, ये कैसा फॉर्म है भाई, लिंक लिस्ट कह रहे हैं हम लोग, लिंक लिस्ट तो भाई एक ही डायरेक्शन में होती है ना, नहीं लिंक लिस्ट नहीं, मैं खाली नोड की बात कर रहा हूं, एक इस तरह का नोड जो मल्टीपल नोड्स के साथ कनेक्ट हो सकता हो, शाबाश सही कह रहे हो, ठीक है, तो सवाल मेरा ये है, ये पहला तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी आपने यहाँ पे बनाया है इसको हम बनाएं कैसे, ठीक है, तो बेसिकली मेरा सवाल ये है, एल्गोरिदम मैं भी पहले एल्गोरिदम में टर्म में बताऊंगा फिर मैं डेटा स्ट्रक्चर की टर्म में बताऊंगा, बेसिकली वर्टिसेस, बेसिकली दिस थिंग जिसमें वर्टिसेस हों और एजेस हों, वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस बेसिकली ये ई जी ए जितने भी गोले हैं ये बेसिकली वर्टिसेस हैं, ठीक है, सो बेसिकली जी जी कंसिस्ट ऑफ वी, V is a set and EE is also a set. It contains two types of sets, G, V and E. V is considered as a set of vertices. And what is E? E is basically a set of connections called edges. Everybody understand? हाँ जी ठीक है, ऑलराइट, अच्छा मैं अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो मैंने एजेस वगैरह बनाई हैं, ये जो एजेस हैं ये एजेस डायरेक्शनल भी हो सकती हैं, और एजेस जो है वन डायरेक्शनल भी हो सकती है, ठीक है, अच्छा व्हाट डू आई मीन बाय डायरेक्शनल एजेस, व्हाट डू आई मीन बाय अनडायरेक्शनल एजेस, अच्छा व्हेनेवर आई से डायरेक्शनल एजेस व्हाट डज दिस मीन, डायरेक्शनल एजेस मीन इट्स पेयर ए बी, ठीक है, ए बी का मतलब है ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड with B, ठीक है, ये बात समझ में आई, ठीक है, डायरेक्टेड का मतलब ये है, और इसका एक इम्प्लिसिट मतलब ये भी है कि A is directly connected with B, that's it, यानी A से B पे भी जा सकते हो, B से A पे भी, नहीं नहीं ये ये B से A पे लाजमी नहीं है, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है, इसका मतलब ये ए से बी पे जा सकते हैं, बी से ए पे जाना है मुझे नहीं पता, अच्छा अनडायरेक्शनल में क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिखते हैं ए बी, व्हाट इज दिस, ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है,
मेरा एक सवाल का जवाब दे मुझे, ये जो हमने इस मैप से इसमें ट्रांसलेशन किया है, ये डायरेक्शनल है या अनडायरेक्शनल? अनडायरेक्शनल। शाबाश, बिकॉज अगर आप ए आई से जे पे जा सकते हैं तो जे से आई पे भी जा सकते हैं, ठीक है बात, ठीक है। दीज आर डायरेक्शनल, जाना नहीं चाहिए ना, जाना चाहिए ना, वो तो अलग बात है, वो तो देखते हैं ना कैसे हमने इन्फिनिट लूप से बचना है, वो बात की बात है, ठीक है। बट एवरीबडी अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन सो फार, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन सो फार, ठीक है। अच्छा, मेरा अब एक सवाल है वो ये कि ये जो राइट साइड पे आपको ये जो ग्राफ नजर आ रहा है, इसको हम स्टोर कैसे करें, इसको हम स्टोर कैसे करें, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, ये जो राइट साइड, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको ये जो नजर आ रहा है जिसको हम ग्राफ कह रहे हैं, इसको हम डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर कैसे करें, इसको हमने ग्राफ कहा है, ये जो ग्राफ कहा है, ये ग्राफ, सवाल ये कि इस ग्राफ को स्टोर कैसे करें, ठीक है, कैसे स्टोर करें। सर ये डायरेक्शनल वाली चीज थोड़ा सा रिपीट करते हैं, अभी मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन पहले तो मेरा सवाल का जवाब दो कि ये मैंने, अगर मैंने ये चीज रिप्रेजेंट करनी हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ट्री कहाँ से आ गया? ट्री के अंदर बेटा साइकिल नहीं होते, इसमें साइकिल हो सकते हैं, टीओए में बनाते नहीं थे ट्री, उस तरह से हम लोग इसमें ट्री नहीं बना सकते बेटा, वो ट्री नहीं होता, किसने कहा ट्री होता है? वो स्टेट मशीन की बात कर, वो स्टेट मशीन की तुम बात कर रही हो, स्टेट मशीन, भाई स्टेट मशीन, मैं तो अब आपसे प्रोग्रामिंग की डिटेल पूछ रहा हूँ, मुझे आप वो ना बताओ कि कागज पे ऐसे बनाते हैं, भाई अब तुम इसे कोड करने लगे हो तुम, ये यानी आपको 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 सवाल किया जा रही है आप रोबोट के ऊपर प्रोग्राम करें तो आप कागज पे नहीं प्रोग्राम करेंगे, आपको तो आपसे वो चीज बना देंगे ना, सरफ्रास नोड मल्टीपल नोड से कनेक्ट हो सकता, दोबारा बताएं बेटा, दोबारा बताएं क्या, एक नोड बना लेते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल नोड से कनेक्ट हो सकता डायनामिकली, ठीक है, ये कर लेते हैं। सो एक काम करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स में क्या होना चाहिए, एक उसकी आईडी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और एक अरे रख लेते हैं जिसके अंदर बाकी वर्टेक्स, एक स्ट्रिंग भी रख लेते हैं जिसका नाम नेम रख लेते हैं, ठीक है। ये मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर मैं ए को वन कहूंगा, बी को मैं टू कहूंगा, ठीक है, या मैंने लाजमी नहीं कि ये नेम लाजमी नहीं ए बी सी हो, ये नेम शहरों के नाम भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी आईडी मैंने खुद साइन किया, जो बेसिकली नेम से आईडी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कि ये वाला नेम उसको आईडी की है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक और सवाल है वो ये, अच्छा मैंने इसको जानबूझ के क्लास नहीं किया, स्ट्रक्चर दे दिया पब्लिक रिसर्च है, ठीक है, हां जी, हां जी, हूं बस, और बस ये होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए, अरे रखे ना एक वर्टेक्स की, दिस इज की वर्टेक्स वगैरह की, वेक्टर ऑफ व्हाट, वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, हां जी, क्या क्या नाम था उसको, VX का तो कुछ भी VX वगैरह रखे, इतना नाम होना चाहिए तुम्हारे, क्या होना चाहिए, एवरी वर्टेक्स हैज सिब्लिंग्स, सिब्लिंग्स कहना चाहिए यार, फादर थी और सिब्लिंग, तुम्हें कहना चाहिए सिब्लिंग तो नहीं है, कौन किसका सिब्लिंग है, नेबर्स, शाबाश, हम इनको आयंस कहते हैं, चिल्ड्रन नहीं कह सकते बेटा, ये ट्री नहीं है, देखो ना नेबर्स, डी का एच जो है वो चाइल्ड है, नहीं जी हम नहीं कह सकते, ठीक है, हम सिर्फ कनेक्शंस कहते हैं, या हम इसको सीज कहते हैं यानी कनेक्शंस, या मैं इनको नेबर्स कह देता हूं, ये इसके कौन-कौन से नेबर्स, ये बात सुना, यस सर, ठीक है, सो दीस आर जस्ट नेबर्स, दैट्स इट, ठीक है बात, ठीक है। अच्छा, और बाय द वे मैं इनमें इनके ऑब्जेक्ट्स रखूं या इनके पॉइंटर्स रखूं, पॉइंटर्स ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो बंदर ही फंस जाएगा, एग्जैक्टली, अगर तुम इसमें ऑब्जेक्ट रखोगे तो फिर तो बड़ा अजाब आ जाएगा, सो व्हाई नॉट व्हाट वी डू इज कि मैं यहां पे या तो वर्टेक्स का पॉइंटर रखता हूं,
ठीक है, बेहतर यह कि मैं वर्टेक्स का पॉइंट रख देता हूँ, या मैं फिर एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ वेक्टर ऑफ इंट रखता हूँ। इंट क्यों रखा मैंने? आईडी इंट थी। शाबाश, क्योंकि मैंने बेसिकली आईडी ही सेव करनी है कि मैं किन किन का नेबर हूं, बस मैं उसके इंडेक्सेस सेव कर लेता हूँ कि मैं इसका नेबर हूं और इसका नेबर हूं, दैट्स इट। ये सबको बात समझ में आ गई? साइज का इतना बड़ा मसला तो नहीं होगा अगर पॉइंटेड ही होगा। क्या मतलब साइज? इसमें आपको इंटीजर रख के बिल्कुल। अगर आप पॉइंटर, ही इज एब्सोल्युटली राइट, इंटीजर ना रखें बेशक आप वर्टेक्स का पॉइंटर और देंगे। पॉइंटर भी 4 बाइट का ही होता है और इंटीजर भी 4 बाइट का होता है, तो इंस्टेड ऑफ, इसका फायदा ये होगा कि तुम्हें बेसिकली अब इस आईडी की जरूरत नहीं, उठा के बाहर फेंक दो बेशक। ठीक है, सो आई एग्री, यू आर राइट। ठीक है, तो मैं ये रखता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने वर्टेक्स की क्लास बना ली। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे ग्राफ की क्लास बनानी है। ग्राफ क्या होना चाहिए? दसो जी, दसो, शाबाश। हाँ जी बताएं। वेक्टर ऑफ वर्टेक्स। शाबाश, वेक्टर ऑफ वर्टेक्स, और इसका नाम रख देते हैं वीज। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है। अब मैंने एक सिंपल सा एक काम करना है। मैं यहाँ पे ना आपसे कह रहा हूँ कि मुझे दो फंक्शन लिख दिखाएं, पब्लिक और ये इसका नाम है वॉइड एड एज। एज को क्या पास होता है? मैं ना एक काम कर लेता हूँ यार, वैसे बाय द वे ये एक चीज होती है जिसे कहते हैं पेयर, टाइप डेफ का पता सबको? हाँ जी पता। टाइप डेफ नाम चेंज करता था। तो पेयर पेयर, और मैं यहाँ पे वर्टेक्स लिख देता हूँ और वर्टेक्स फॉन्ट यहाँ पे मैं टाइप डेफ इंट इंट की जगह लिख देता हूँ। दो वैल्यूज आती है, तो मैंने क्या दिया, पेयर इंट इंट को तुमने कहना है एज। सो आप बेसिकली, मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ एज टाइप की ई भेज दूंगा। बेसिकली इस ई का मतलब बेसिकली क्या है, और ये बेसिकली इसका फर्स्ट होता है, ये इसका सेकेंड होता है। ठीक है, तो यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मैंने ग्राफ टाइप का जी बनाया ना, ठीक है, या मैं इंट मेन बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे ग्राफ जी बनाने के बाद जी डॉट एड एज कॉल करता हूँ, और एड एज में लेट्स से मैं 1 2 भेज देता हूँ। मतलब पता क्या, बेसिकली नहीं, यहाँ पे मैं एज टाइप का ये 1 2 भेज देता हूँ। इसका बेसिकली मतलब बेसिकली क्या है कि मैंने बेसिकली एक एज बनाई है, ठीक है, और उसमें ये इसका फर्स्ट है और ये इसका सेकंड है। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं बेसिकली यहां पर ई डॉट फर्स्ट लिखूंगा तो ये पता क्या देगा, और ई डॉट सेकंड कहूंगा तो ये क्या आउटपुट करेगा? E dot first, E dot first will say 1, और E dot second will tell 2. ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई? ठीक है, so ये pair होता है। अगर आपको ये परेशान कर रहा है तो इसको मैं खा के बाहर रख देता हूँ, और इसमें मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना लेता हूँ, नाम लिखता हूँ एज, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्ट बना लेता हूँ, और इसमें इंट सोर्स कहूंगा और इंट डेस्टिनेशन कहूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं एज बना लेता हूँ, इसमें मैं और इसका कंस्ट्रक्टर भी साथ ही बना लेते हैं। एज टाइप का कंस्ट्रक्टर है, इसमें इंटीजर एस भेज देते हैं और इंटीजर डी भेजते हैं, और इसको मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू मैं सोर्स को एस असाइन कर देता हूँ और डेस्टिनेशन को मैं डी असाइन कर देता हूँ। ठीक है,
इतराज तो नहीं, ठीक है। तो अब मैंने एक एज बनाई और एज बना के भेज दिया, यहाँ पर मैं ए डॉट फीचर टाइप का क्यों बना रहे हैं, अब आईडी तो पड़ी नहीं है। एक मिनट, ए डॉट डेस्टिनेशन कहूंगा तो डेस्टिनेशन आ जाएगी, ठीक है ठीक है। हाँ जी, तुम कह रहे हो यहाँ पे क्या रखना चाहिए, वर्टेक्स टाइप का रखते हैं? यस सर, पॉइंटर या कुछ देख लेते हैं, ठीक है। बाय द वे, ये नहीं, अगर मैं एल्गोरिथम की ज़बान में कहूँ ना, तो एज इज बेसिकली ए पेयर ऑफ वर्टिसेस, कि कहाँ से कहाँ पर तुमने एज डाल दी, ठीक है ठीक है, मेक सेंस। अच्छा मैं ना यहाँ पर बेसिकली सरफराज, जब हमने नेबर सेव किए हैं तो अलग से एज बनाने की क्या जरूरत है? मैं वही अभी एज डालने लगा हूँ ना, नेबर्स कैसे सेव करूँगा, मैंने अभी तक कुछ भी सेव नहीं किया, मैं अभी डालने लगा उस पर। अच्छा मेरे आप बुढ़ी सिर्फ ये फंक्शन लिख के दिखाओ, ये फंक्शन का काम है कि एज ऐड करना, ठीक है। ये कैसे ऐड करेगा बताएं जी, ये क्या करेगा? सो डोंट यस लुक एट दिस जी, यहाँ पर बेसिकली एक फंक्शन है जिसका नाम है इनिट, इनिट को इंटीजर एस पास होता है, और ये बेसिकली क्या करता है, एस स्टैंड फॉर साइज, तो ये बेसिकली क्या करता है, वॉइड ये वीज डॉट रीसाइज कॉल करता है और रीसाइज में एस भेज देता है। ये बेसिकली कितने साइज का ये वर्टिसेस बना देगा, कितने वर्टिसेस बना देगा, एस की, तो एस में अगर पांच भेजा है तो ये पांच साइज के वर्टिसेस बना देगा, ठीक है ठीक है। इस केस की अगर मैं बात करूं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो मैं बारह भेजूंगा तो ये बारह साइज के वर्ड्स बना देगा, तो फिर ये गोले बना दिए इसे, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एज ऐड किया, एज का मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली इसको पेयर भेज रहा है कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों वर्ड्स के दरमियान में तुमने एज ऐड कर देनी है। कैसे ऐड करो? सर वो चीज हम ऊपर स्टोर करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेबर्स। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये खाली उसको इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि ये चीज बनानी है, ये स्टोर करने के लिए नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ मैंने अभी तक स्ट्रक्ट बनाया है ना, अभी तक हमने नहीं, ये तो नहीं की, ये खाली उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये स्टोर करने के लिए नहीं है, राइट? बिल्कुल सही बात, ये सिर्फ इस, ये इंस्ट्रक्शन पास हुई है, इन दोनों को जोड़ दो। अभी तक मेरा जब मैंने ये इनिट कॉल किया है, सो फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, मैंने ग्राफ बनाया और यहाँ पे मैंने ग्राफ जी डॉट इनिट कॉल कर दिया, और इनिट में मैंने कितना भेजा था, यहाँ पे ये कितने थे, बारह थे ना, चार और तीन सात दस और दो बारह, तो यहाँ मैंने ये बारह भेज दिया। अभी तक जो मैंने ये दोनों लाइनें लिखी हैं, तो इससे क्या हुआ है? हाँ जी बताएं, अभी तक सिर्फ बारह वर्टिसेस बने और कुछ भी नहीं बना, डजंट मेक सेंस, अभी तक कोई कनेक्शन वगैरह नहीं बना, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं बना। जब मैंने जब कहा ना डॉट एड करो एज वन और टू के दरमियान में, तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली कि मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरा वर्टेक्स वन है और ये टू है, तो मैं इन दोनों के दरमियान में ये एज ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं कैसे ऐड करूँगा ये बताएं। वो बस वन के अंदर घुस के वो उसके टू को रख देगा, टू का पॉइंटर रख देगा, बताएं कैसे करें, टू का पॉइंटर पकड़ेंगे और जो डिस्क के अंदर क्या आएंगे, वीज, हाँ जी बताएं, आसान नहीं भाई, इसके वी इसको डिस्टरिक करें और इसको एज का ई का सोर्स, एज का सोर्स लें, इसका सोर्स लें, ठीक है, और इसके अंदर, इसके अंदर ना ऐड कर दें, पुश कर दें वी इसके डेस्टिनेशन, इसका ई डॉट डेस्टिनेशन, भाई यहां पर उसका एड्रेस जानना है, तो बेसिकली यहां पे एड्रेस, हां तो vs प्लस कर देना उसको, डिस्टरिक ना करें, vs प्लस ese.dst कर दें, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, या इसका एम्परसेंड कर दें, तो बेसिकली इसका एड्रेस असाइन हो जाएगा, ठीक है। हां जी ये गलत है, क्यों गलत है, बताएं, जी बताएं क्यों गलत है, चलो मैं कहता हूँ ये
क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, चलो ये कह देता हूं मैं, इनकम्प्लीट है सर। वो वर्टेक्स को भी तो बताना है, नेबर है उसके। क्या वर्टेक्स जो स्ट्रक्ट था उसके अंदर आपने वो नेबर्स रखे थे ना, हा? वो भी नहीं बताए गए, नेबर्स भी तो बताने हैं, अभी सिर्फ एज बताया। हमने डबल लिंक नहीं किया, मतलब अभी गलत की, गलती क्या हुई है? डॉट ये इसके अंदर जाना है हमने, डॉट यहाँ पे डॉट, सॉरी डॉट डॉट एन डॉट एन एस के अंदर डॉट पुश बैक करना, ठीक है? हाँ कह रहा हूँ अभी भी ये इनकम्प्लीट है, क्यों इनकम्प्लीट है? VSE.DST से पहले डिस्क भी आना था। क्या दोबारा बोलो बेटा? सर पुशबैक के अंदर VS से पहले डिस्क नहीं आएगा? नहीं बेटा, एक बार डिस्क हो गया ना, 10% लगा रहे हैं ना सर, प्रास जो डेस्टिनेशन वाला, जो डेस्टिनेशन वाला वो जो वर्टेक्स है उसका भी तो नेबर वो है। एग्जैक्टली जब हम एक एज ऐड करते हैं तो ए बी एज ऐड होती है, तो फिर बी ए एज भी ऐड होती है, बिकॉज इट इज बाई डायरेक्शन। रोबोट के केस में जो हम बना रहे हैं, इट हैज टू बी अ बाय डायरेक्शनल थिंग। यहां पर गए हम, यहां आए और एक लाइन हमें और लिखनी पड़ेगी विद अ चेंज, एंड दैट चेंज विल बी क्या? यहां पर हम डेस्टिनेशन में जाएंगे, यहां पर हम सोर्स में जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इट मींस बाय व्हेन यू से यू आर एडिंग एन एज, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Everybody understand कि जब एक एज ऐड करते हैं, एक नेबरहुड ऐड करते हैं, तो बेसिकली ये होता है, इसके एड में इसमें वो वाला है, इसके नेबरहुड में वो उसको ऐड करते हैं और उसके नेबरहुड में इसको ऐड करते हैं। ये बात सुना? अच्छा अब एक और सवाल है मेरा, और वो ये है void remove edge। हाँ जी, ये कैसे रिमूव होगा? हाँ जी बताए जी, अब बताएं। तो बस वो नेबर्स में से जाके सर्च करना पड़ेगा, उस इंडेक्स को पकड़ के फिर उठा देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जो ऐड एज है ये कितना टाइम लेता है? वो ऑफ वन, वो ऑफ वन। जो रिमूव एज है वो कितना टाइम लेगा? वो ऑफ एन, वो ऑफ एन, एन तो नहीं, वन नहीं हो, मतलब आपने उस जगह पे जाके नल करना ना बेसिकली। क्या पहले उसको सर्च करेंगे? पहले उसको सर्च करेंगे, ठीक है? सर्च करने के बाद पहले सोर्स के अंदर से डेस्टिनेशन को हटाएंगे, फिर दोबारा सर्च करेंगे, फिर डेस्टिनेशन के अंदर से सोर्स को उठाएंगे। शाबाश। तो बेसिकली अगर आप डू यू एग्री कि इट हैज टू लूप्स हैं, लेकिन n प्लस n है, नेस्टेड नहीं है। हाँ टू लूप्स हैं, टू सेपरेट लूप्स, आप सही, ठीक है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ओ ऑफ एड नहीं कहते, कहते हैं ओ ऑफ डिग्री ऑफ सोर्स प्लस, सॉरी डिग्री, डेफिनेट डिग्री डिग्री, और यहां पे लिखते हैं डिग्री ऑफ क्या? डेस्टिनेशन। बात सुना? डिग्री का मतलब है कि कितना इसकी नेबरहुड का साइज कितना है, और वो हमें पता है कि वो मैक्सिमम एन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एन हो सकता है ना, मैक्सिमम एन हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है एन हो, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एन माइनस वन होगा ना मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम एन माइनस वन होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। It is O of N, ठीक है? मैं O of N की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा एक नोटेशन है ये जो हमने यूज किया, जो कि बेसिकली यहाँ वेक्टर रखती है, और मैं बताऊँ आपको वेक्टर नहीं रखती, बेसिकली लिस्ट रखती है। जो हमने यहाँ पे लिस्ट, ये शायद वेक्टर ही होता है, और ये जो हमने ये बनाया था ना, ये बेसिकली आमतौर पर वेक्टर की जगह हम लिस्ट भी ले सकते हैं। डू यू अग्री कि लिस्ट रखने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि शायद आसानी ही है? क्यों आसानी है बेटा?
क्योंकि इसका जो रिमूवल है वो बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ जी, क्यों रिमूवल आसान हो जाएगा? शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, रीसाइजिंग नहीं होगी। एग्जैक्टली, आपको शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, टेंप वेरिएबल चाहिए। एक टेंप वेरिएबल चाहिए, वो स्कैन थ्रू करेगा और उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, सो दिस विल बिकम एन इजी प्रोसेस। ठीक है, डू यू अग्री? ठीक है, तो ये अब आपने खुद करना है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ग्राफ है ना, ये है एक नोटेशन जिसको बेसिकली आपने जो यूज किया है ना, इसे कहते हैं लिंक्ड लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। इस इंप्लीमेंटेशन का एक नाम है, इसे कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, व्हाट डज दिस मीन? बिकॉज एडजेसेंसी की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। देयर इज अनदर नोटेशन ऑफ ग्राफ्स व्हिच इज सो सिंपल एंड सो एलिगेंट, एंड दैट इज बेसिकली दिस वेक्टर ऑफ इंट। सो बेसिकली इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अच्छा, और हम स्टोर कैसे करेंगे? स्टोर हम ये करेंगे कि ग्राफ की अगर मुझे ई डॉट सोर्स और ई डॉट डेस्टिनेशन पे जाके देखना है तो आई विल जस्ट डू दिस, और मैं व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, ये जो ग्राफ है, एक मिनट, तो बेसिकली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू मेक अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड सो व्हाट विल बी माय, सो क्लास ग्राफ एंड दिस विल हैव वेक्टर ऑफ वीज। ठीक है, और अब देखिए यहां पे मैं पब्लिक लिखता हूं और इससे मैं जाके देखता हूं बूल इज कनेक्टेड। ठीक है, मैं कहने इज नेबर। ठीक है, और नेबर में मेरे पास एक एज टाइप की ई भेजी जा रही है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्ट को मैं एज का मैंने स्ट्रक्ट बनाया था, उसको मैं ऊंट बना देता हूँ, तो ये इसकी जरूरत दोनों में पड़नी है। तो ये यहाँ बनाया हुआ है और एज टाइप का ई भेजा है। ठीक है, और व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज ऑल आई हैव टू डू इज, सो वीज की किस जगह जाके मैंने बेसिकली रिटर्न करना है, ई डॉट सोर्स, ई डॉट डेस्टिनेशन, दैट्स इट। अब एक और बात सुने, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल void add edge करना, तो इसको भी एज ई पास होगा। हाँ जी, क्या करें बताएं जी, क्या करें? जी बताएं, कहता अगर मैंने दो वर्ड्स मैंने एज ऐड करनी है तो ऑल हैव टू डू इज ई डॉट सोर्स पे जाओ, ई डॉट डेस्टिनेशन पे जाओ और इस लोकेशन पे जाकर वन कर दो। बट दिस इज इनकम्प्लीट। व्हाई दिस इज इनकम्प्लीट? सर, बूल टाइप नहीं होनी चाहिए फिर इंट की जगह। एग्जैक्टली, हम बेसिकली इसको बूल टाइप के बना देते। शाबाश, ठीक है, और इसकी जगह क्या कर सकते, बट दिस इज इनकम्प्लीट। व्हाई दिस इज इनकम्प्लीट? डेस्टिनेशन पे भी जाके वो exactly. वो करना है, डेस्टिनेशन पे जाके, लेकिन मेमोरी बहुत ज्यादा नहीं यूज कर रहे। अभी एक दफा रुक दो, ठीक है। बाय द वे, रिमूव एज इज आल्सो वेरी वेरी इजी। रिमूव एज इन दिस इज एक्सट्रीमली इजी। व्हाई इट इज इजी? जीरो कर देंगे। ऑल आई हैव टू डू इज किस जगह जाना है और जाके जीरो कर देना। आहा, कितना सिंपल है। ठीक है, सिंपल है, लेकिन मेमोरी अभी 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 बात करते हैं, तो नजर आ जाएगा। मैं तो बताना चाहता हूँ दोनों अभी तो नजर आ रहा है कि
ये वाले जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ही कमाल है, ठीक है, और मैंने चेक करना है तो ऑल आई हैव टू डू इज कि उस जगह जो भी लिखा हो मैं रिटर्न करवा देना कि ये नेबर है या नहीं है, नेबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, इस रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं और मैं कहता हूं वर्ड एड न्यू वर्टेक्स, ठीक है, और यहां पर मैं जाके लिखता हूं, इस रिप्रेजेंटेशन में जाके लिखता हूं एड न्यू वर्टेक्स, यहां पर क्या करना पड़ेगा, अजाब आ जाएगा मेरी जिंदगी में, अभी मेरी जिंदगी में एक अजाब तरीन चीज आने वाली है, क्यों, क्या करना पड़ेगा मुझे, और रीसाइज में सुने बात और रीसाइज में जाके हम वीएस डॉट साइज प्लस वन कर देते हैं, इसे करने से क्या होगा हमारा वेक्टर जो है अगर पहले पांच वर्टिसेस थे अब छह वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक मसला है कि जो छठा वर्टिस है उसके अंदर क्या हुआ है, उसका साइज कितना है, पहले वो 5x5 का वर्टिक्स था का ग्राफ था, वेक्टर था, अब ये 5x5 का तो ये तो है ही है, 6x6 नहीं हुआ अभी तक, व्हाई 6x6 नहीं हुआ, बेसिकली पहले पांच जो है वो 5x5 ही है, जो दूसरा जो छठा है वो सिर्फ एम्प्टी बना हुआ है, तो मुझे एक और काम भी करना पड़ेगा, वो ये कि वीएस की एक और बनाना पड़ेगा, एक मिनट, इस एंट्री पे जाके इज इक्वल टू न्यू करना पड़ेगा बूल, अगेन न्यू बूल नहीं, हम ऐसे असाइन करते हैं न्यू, यहां पर करते हैं वेक्टर और यहां लिखते हैं बूल, और सुने बात बॉस, यहां जाके वीएस डॉट साइज -1 इसलिए बिकॉज मैं चाहता हूं कि अब इस तरह करने से क्या होगा कि मेरी हर रो ही 6x5 साइज की हो जाएगी, डू यू एग्री, मेरी हर रो ही 6x5 साइज की हो जाएगी, और क्यों समझ नहीं आई, इससे क्या हुआ, देखो पहली बात सुन लो कि लेट से पहले मेरे पास पांच वर्टिसेस थे, पहले मेरे पास कितने वर्टिसेस थे, पांच वर्टिसेस थे, ठीक है, लुक एट दिस जी, मैं आपके सामने ये कैसे बनाऊं, ये विनवर्ड 5x5 था पहले, मैं आपके सामने बनाता हूं, ठीक है, ये एक विनवर्ड बना लेते हैं ना, तो पहले बेसिकली मेरे पास एक इंसर्ट कर लेते हैं, तो बेसिकली मेरे पास टेबल था 5x5 साइज का, ठीक है, ये 5x5 साइज का, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूं, अच्छा, और इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूं, अब क्या हुआ, अब जब मैंने नया वेक्टर बनाया तो बेसिकली जब इसे रीसाइज किया तो रीसाइज करने से क्या हुआ कि मेरे पास यहां पर एक और वेक्टर बन गया जिसका साइज है कितना, मैंने 6 साइज का बना दिया ना, बेसिकली ये इतने साइज का बना है ना, ऊपर वाला तो 5x5 ही रहा, नीचे वाला जो एक वेक्टर बढ़ गया है, यहाँ पहले पांच वेक्टर थे अब 6 वेक्टर बन गए, लेकिन ऊपर वाले तो 5x5 ही रहे हैं और जो नीचे वाला है वो क्या हो गया, वो अभी तक एम्प्टी साइज का है, बेसिकली इसमें कोई एंट्री भी नहीं है, इसे जीरो होना चाहिए क्योंकि बेसिकली खाली वेक्टर बना है, ठीक है, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि बेसिकली ये बन जाता कितने बाय कितने साइज का, 6x6 साइज का, ये हो जाना चाहिए था इसको, है ना, डू यू ऑल अग्री, इसको ये बन जाना चाहिए था लेकिन अब तक ये नहीं बना, ठीक है, इसको ये हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक ये नहीं बना, अभी तक ये बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये बना हुआ है, तो मैंने बेसिकली जो ये कोड लिखा है ये वाला कोड, ये बेसिकली क्या किया, इसको पहले इसने रिसाइज किया, रिसाइज करने से बेसिकली ये तस्वीर बन गई यहां से लेकर यहां तक, पर अब मैंने क्या किया, मैंने कहा आखिरी एंट्री को जाके तो पहले तो तुम 5 साइज की बनाओ,
अब फाइव साइज करने से क्या होगा, बेसिकली फाइव साइज करने से ये होगा कि ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है इसको मैं यहाँ से डिलीट के बाद करता हूँ, ये बेसिकली ये बन जाएगी, ठीक है। इसको मैं जब आपने रिसाइज किया हा? तो आपने डॉट साइज प्लस वन भेजा, यानी साइज सिक्स हो गया, लेकिन अब आप नेक्स्ट स्टेप में आप वी एस डॉट साइज लिख रहे हैं तो वो सिक्स आएगा, तो वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, इसे वी एस डॉट साइज। तो ये मैंने उसको मैंने आखिरी वाले को मैंने कह दिया कि उसको भी तुम फाइव साइज का बना दो, ठीक है। और अब मुझे एक और काम करना पड़ेगा, वो ये कि फॉर एग्जांपल इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वीएस डॉट साइज आई प्लस प्लस, और यहाँ पर जाके मुझे हर एक की आईथ एंट्री में जाके पुश बैक करना पड़ेगा क्या 0। जैसे ही नया वर्टेक्स आया है, अभी वो सिर्फ ऐड हुआ है, तो वो किसी के साथ नेबर है, अभी तक उस नेबरहुड उसकी बनी है, अभी तक कोई नेबरहुड बनी है नहीं, बनी नहीं है, लेकिन हम यूज कर रहे थे तो बूल जो है बाय डिफॉल्ट जीरो नहीं रखता। हाँ बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, लेकिन मुझे बेसिकली हर एक जाके अब 000 पुश करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली बेसिकली अभी तक जो मेरे ये मेरा जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, ये बेसिकली 5x6 साइज का है, ये बेसिकली ये इतना है, इसको बेसिकली ये वाली एंट्री हमें ऐड करनी है, ये वाली एंट्री, ठीक है। तो ये एंट्री ऐड करने के लिए बेसिकली इसको हर एक में जाकर 00 पुश करना पड़ेगा, बस सुने, और इसकी जिंदगी में अजाब आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसकी वजह से ये आपको क्यों परेशान फील कर रहा है। अच्छा यार, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ना, ये जो आपके सामने ग्राफ बनाया है, ये बेसिकली ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, ग्राफ ना बेसिकली दो तरह के होते हैं, ग्राफ्स आर बेसिकली ऑफ आर ऑफ टू टाइप्स, इनडायरेक्ट अनडायरेक्टेड, और एक होता है जिसे कहते हैं डायरेक्टेड, ठीक है। अच्छा, और ये जो ग्राफ्स है ना, इनकी बेबहा एप्लीकेशन है, ठीक है। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये कि हम आपको आई थिंक एप्लीकेशन बताएंगे तो आपको सही तरह समझ में आएगा कि किसका क्या फायदा है, ठीक है। अच्छा, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स वो होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर ए से बी कनेक्शन है तो बी से ए भी कनेक्शन है, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जिसमें अगर आप ए से बी कनेक्शन कह दें तो बी से ए कनेक्शन होना जरूरी नहीं है, ठीक। अच्छा, इसकी मुझे एग्जांपल्स दें और इसकी भी मुझे एग्जांपल्स दें, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अनडायरेक्टेड में एक एग्जांपल तुम्हारी मेज थी, ठीक। और कोई एग्जांपल दें जिसमें अनडायरेक्टेडनेस होती है, अगर ए से बी है तो बी से ए भी होगा। गूगल मैप? हाँ? नहीं। रोड्स? हाँ? रोड्स? बोर्ड्स? रोड्स। हाँ जी, रोड्स हमारी डायरेक्टेड होती हैं या अनडायरेक्टेड होती हैं? ये बताएं मुझे। पाकिस्तान की अनडायरेक्टेड होती हैं। डायरेक्टेड होती हैं। I think roads जो हैं वो चाहे पाकिस्तान हो या चाहे जो मर्जी हो, there are some roads जो कि वन वे हैं, और वन वे का मतलब है कि it has to be a directed edge, roads, road network is basically a directed graph, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने फेसबुक को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या करूँगा? Undirected. पहले बताओ ना, फोर फेसबुक को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे नोड्स क्या होंगे? जितने भी मेरे प्रोफाइल्स हैं, यस, जितने भी मेरे प्रोफाइल्स हैं, और जो कनेक्शन है वो क्या होगा? अनडायरेक्टेड होगा मेरे ख्याल से। वो है क्या बताओ ना, फेसबुक की जबान में से क्या कहते हैं? फ्रेंडशिप इज ऑलवेज टू वे, यानी महम और मैं अगर दोनों के दोनों फेसबुक पर एडिट नहीं है तो वो एडिट नहीं होंगे,
ऐसा नहीं होगा माम ने मुझे ऐड किया हुआ है, मैंने उसे ऐड नहीं किया, ऐसे नहीं हो सकता. सो फेसबुक रिलेशनशिप इज बेसिकली ए अनडायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है. अच्छा जी, व्हाट अबाउट ट्विटर? डायरेक्टेड. व्हाई ट्विटर? अनडायरेक्टेड. अनडायरेक्टेड. ट्विटर इज अनडायरेक्टेड. नहीं नहीं, गलती से कहा है, गलती से कहा है, गलती से कहा है. इट हैज टू बी ए डायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है. अच्छा, आप एक और मैं की बात करता हूँ. आप जो अपने सीएस के कोर्सेज पढ़ते हैं उसमें प्री रेक्विजिट होता है ग्राफ्स का, कोर्सेज का, कि कौन किसका प्री रेक्विजिट है ना? Directed. मुझे बताएं वो क्या होना चाहिए. इट हैज टू बी. सो प्री रेक्विजिट ग्राफ. ठीक है. अच्छा जी, आप एक और बताएं. एक मैं बना लेता हूँ कोलैब असाइनमेंट्स के अंदर. असाइनमेंट जो आप बनाते हैं इसमें अगर इसका अगर मैं बनाता हूँ कोलैबोरेशन ग्राफ, किसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो ये कैसा ग्राफ होना चाहिए? अनडायरेक्टेड. यस, इट हैज टू बी एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, कोलैबोरेशन ग्राफ. कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि उसके साथ मिलकर काम किया. ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है. अगर मैं चीटिंग ग्राफ बात करूं तो अनडायरेक्टेड. अनडायरेक्टेड. अनडायरेक्टेड होना चाहिए. अनडायरेक्टेड. किसने किसको चीट किया है? इट एक्चुअली डिपेंड्स. यानी फॉर एग्जांपल अगर वो डायरेक्टेड होगा, वो डायरेक्टेड होगा, मेरा ख्याल में डायरेक्टेड होना चाहिए. लेकिन जो जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज होती है उसमें, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज के अंदर अगर दो दो लोगों का आपस में छापा आया है तो किसी ने किसी को छापा कराया है या छापा किया है, दोनों एक जितने कसूरवार कहलाए जाते हैं. तो चीटिंग ग्राफ को इधर होना चाहिए. ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है. यानी जो मॉस है, जो मॉस हमारा होता है ना, ये जो बेसिकली जो बैकएंड पे आपकी एलएमएस के ऊपर चीटिंग चेक करता था, वो बेसिकली बैकएंड पे चीटिंग ग्राफ बनाता था और अनडायरेक्टेड ग्राफ होता था. ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? समझ में आ गया बस. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि वो किधर आनी चाहिए. अगर मैं कहता हूं आपने कोई भी प्रोजेक्ट करना है, FIP फॉर एग्जांपल आप करने लगे हैं थोड़े दिनों बाद, उसमें आपने बहुत से काम करने होंगे. ये करना है, 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 ये करना है. उसके जितने भी स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, वो डायरेक्शन होनी चाहिए या अनडायरेक्टेड होनी चाहिए? डायरेक्टेड. व्हाई डायरेक्शन बेटा? क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट बनेगा फिर इंप्लीमेंटेशन होगी ना. एग्जैक्टली. इसी तरह डॉक्यूमेंट लाजमी नहीं है, इवन आप इंप्लीमेंटेशन की भी अगर आप मजीद डिवीजन करें तो वो भी डायरेक्शनल होती है कि आप ये पहले करेंगे, फिर आप बैकएंड पहले बनाएंगे, फिर आप ये वाली चीज क्लास बनाएंगे, फिर आप ये क्लास बनाएंगे, फिर आप ये क्लास बनाएंगे, फिर आप ये क्लास बनाएंगे, और इस तरह से आप चलाएंगे. वो इट हैज टू बी अ डायरेक्शनल. रिप्रेजेंटेशन बनाई है, इमेजिन करें कि ये जो ग्राफ है ना, जो मैंने बनाया ये वाला, ये ग्राफ है फेसबुक ग्राफ. ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, जब एक यूजर ऐड होता है, एक नया वर्टेक्स ऐड हुआ है, तो उसका मतलब बेसिकली क्या है, क्या हुआ होगा? फेसबुक के केस में नया वर्टेक्स कब ऐड होता है? किसी ने साइन अप किया. साइन अप, दिस इज बेसिकली इक्वल टू साइन अप. ठीक है, दिस फंक्शन इज बेसिकली साइन अप. और आप देखें ये एक साइन अप का फंक्शन फेसबुक के लिए कितना हैवी है, कितना हैवी है. ये तो फेसबुक की जिंदगी में अजाब आ जाएगा. क्यों अजाब आ जाएगा? Anybody explain it to me? क्योंकि एक अकाउंट होने से उसको फिर सबको सबका चेंज करना, सबका साइज चेंज करना पड़ता है. बेसिकली इस वक्त फेसबुक के तकरीबन 1.5 बिलियन यूजर हैं. 1.5 बिलियन का मतलब होता है 1.5 into 10 raised to 9. ठीक है? तो बेसिकली अगर हमें इस अगर इसने
अगर फेसबुक ने बैकएंड पे एडिशनसी मैट्रिक्स रखी हो तो उसने बेसिकली ये सिर्फ अगर सिर्फ उसने बूल की इंफॉर्मेशन रखी हो ना तो उसको इतनी बड़ी अरे बनानी पड़ेगी और उसकी जिंदगी में अजाब आ जाएगा। और इमेजिन करें कि एक ठीक है ये ओ ऑफ वन ऑपरेशन होगा, ये ओ ऑफ वन ऑपरेशन होगा, रिमूव एन एज इज ऑल्सो एन ओ ऑफ वन ऑपरेशन, इज नेबर इज ऑल्सो एन ओ ऑफ वन ऑपरेशन, बट साइन अप इज सच ए ह्यूजली ऑपरेशन, दिस इज ए स्केरी ऑपरेशन, स्केरी ऑपरेशन, बिकॉज फेसबुक तो इस पे फट हो जाएगा। ओके एवरीबडी अंडरस्टैंड, क्योंकि एक यूजर ऐड करने का मतलब यह है कि उसको एक पहली बात एक वेक्टर बनाना है, सारा का सारा डेटा रिकॉपी करना है, फिर एक बूल की एक 1 बिलियन साइज की अरे बनानी है, ठीक है, और हर एक के अंदर जाके एक और फॉल्स फॉल्स ऐड करना है कि ये इसका फ्रेंड नहीं, ये उसकी जिंदगी में अजाब आ जाएगा। हाँ जी इधर आ जाए, आप दोबारा बताएं अगर मैंने ऐसे स्टोर किया वो ग्राफ, अब फेसबुक का ग्राफ ही है, इसमें एड एन एज इज एन ऑफ वन ऑपरेशन, ठीक है, रिमूविंग एन एज इज हाउ मच कॉस्टली ऑपरेशन, ये बताएं। हाँ जी रिमूविंग एन एज इज हाउ मच कॉस्टली ऑपरेशन, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मैक्सिमम क्या नहीं, नहीं मुझे एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ व्हाट इज द कॉस्ट, क्या मैक्सिमम मैक्सिमम लगाया हुआ है, 2n माइनस 1, क्या 2n लगाया हुआ है, 2n का मतलब 1 बिलियन, n यहां पे 1 बिलियन है, देयर आर 1.5 बिलियन यूजर्स, सो व्हाट आर यू टॉकिंग, सो व्हाट इज n, n की अगर मैं बात करूं n इज बेसिकली माय नंबर ऑफ यूजर्स, दैट इज 1.5 × 10⁻¹, तुम ये कहना चाह रहे हो, तो फिर एक काम करते हैं ना, ये जो आपने यूजर रखे हुए हैं, मुझे कश्मीर तुम खामोश हो जाओ, हाँ जी ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बताओ मुझे, पहले तो मुझे बताओ ना एज रिमूव एड एज का मतलब क्या है और रिमूव एड का मतलब क्या है फेसबुक की जबान में, अगर मैं फेसबुक की जबान की बात करूं, friend and friend, kya baat, this means making a friendship relationship, this means unfriending a relationship, unfriending mein kya karna padta hai, link khatam sir uski friend list mein puri mein jaake search karna padega aur khud ko remove karna padega, kitna cost, wo kitna costly hai, ye hamara dost jo tayyab hai, ek tayyab keh raha hai ki iski cost hai 1.5 × 10⁻¹, सर ये सिर्फ इसी केस में हो सकती है अगर उसने पूरी फेसबुक को अपना फ्रेंड बनाया हो, जी और वो तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, 5000 की लिमिट है, एग्जैक्टली ये 5000 की भाई लिमिट है हर एक के ऊपर, सो बेसिकली दिस ऑपरेशन वी नो इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ओ ऑफ वन ऑपरेशन, व्हाई ओ ऑफ वन, क्योंकि मैक्सिमम 5000 हो सकता है जो के कांस्टेंट है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, और आप मुझे बताएं एडिंग ए न्यू वर्टेक्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन कैसे, ओ ऑफ एन नहीं है, यू आर एब्सोल्युट यू आर रॉन्ग, क्योंकि जब हम न्यू वर्टेक्स ऐड करेंगे, न्यू वर्टेक्स ऐड करेंगे वेक्टर के अंदर, न्यू वर्टेक्स ऐड करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ वन होती है, या अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो यहां पर लिस्ट बना दे, ये मैंने यहां पे लिस्ट बना दी, ये देखिए जी, और ऑल आई हैव टू डू इज कि मुझे vs डॉट इंसर्ट एट एंड कॉल करना है, ठीक है, और यहां पे मुझे एक नया यूजर बना देना है, ठीक है ना, तो नया यूजर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है यार, एक एक वर्टेक्स बनाओ v एम्प्टी और इसको ऐड कर दो, ठीक है, दैट्स इट, एन एम्प्टी, और अगर आपने फेसबुक होगा तो यहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्टर में उसका पूरा प्रोफाइल भेज रहा हूँ, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, बात सुन रहे हैं,
ठीक है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, वर्टेक्स इसी जगह देगा यूजर, यूजर यू, और यहाँ पर देगा या वी कर लेते हैं, और यहाँ पर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। Everybody understand so far? इसको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं ना एक काम करने लगा हूं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा everybody understand now, everybody should appreciate why this implementation is a very beautiful implementation. क्यों? क्योंकि this will take how much time now? Adding a new vertex is O of how much? यूं भाई एन कैसे आ गया? वन 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 ऑफ वन वन ऑफ वन ऑपरेशन, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सो यू कैन एक्चुअली बिल्ड एन, सो व्हाट इज अ फेसबुक? फेसबुक इज नथिंग बट ग्राफ, ठीक है, एंड यू कैन इजीली इंप्लीमेंट, ठीक है। और बाय द वे अगर ये फेसबुक ना होती, अगर ये ट्विटर होती, तो इसमें क्या चेंज होती और इसमें क्या चेंज होती? पहले जो बताओ ऐड का मतलब क्या था? अगर ये फेसबुक ना होती, फॉलो होगा, तो फॉलो का मतलब है कि अगर मैं ई एज आती है और यानी ए बी को फॉलो करता है, तो क्या दो एडिशन होंगी या एक एडिशन होगी? एक होगी, लेकिन वो टाइम वो वन ही लगेगा। शाबाश, ओ वन लगेगा, एक एडिशन होगी, दो लाइन नहीं होगी, एक लाइन होगी। और रिमूविंग एन एज इज टू लूप्स और वन लूप? तो अगर हम एक रैंडम पर्सन को सर्च करते हैं फेसबुक पे, वो तो हमारा फ्रेंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या पूरी 1 बिलियन की वो उसमें से सर्च करता है? क्योंकि उससे क्या पता चलेगा? शाबाश, एक्सीलेंट पॉइंट। अच्छा मैं अब आपको मजे की बात, इसने बेसिकली बैकएंड पे फेसबुक ने क्या किया होता है, फेसबुक ने, गूगल ने, सब ने बेसिकली एक हैश टेबल बनाया होता है, ठीक है। हैश टेबल को सी प्लस प्लस में कहते हैं अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। यहाँ पे स्ट्रिंग रखा होता है और यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंटर रखा होता है, इसे कहते हैं एच, हैश टेबल, ठीक है। या इसको समझ लो तुमने इनका यूजर, यूजर पॉइंटर्स ये नाम किन किन आईडीज का है, समझ में? और हैश का पता है आपको? हैश, इसके अंदर ना बेसिकली एक फंक्शन होता है, इसका नाम है इंट स्ट्रिंग लेवल, कैसे कह देते की टू इंडेक्स, इसको स्ट्रिंग एस पास होती है, ठीक है। और ये करता क्या है, ये बेसिकली, अच्छा इसने बाय द वे अनऑर्डर मैप बैक एंड पे ना इस टाइप की, इस टाइप की, यानी इसे पेयर कहते हैं, पेयर टाइप की बेसिकली एक अरे रखी होती है, इसको वीज कहते हैं, ठीक है। और ये जो हैश फंक्शन है ना, इसका काम क्या होता है, ये ना कुछ प्रोसेसिंग करता है, so it does some processing on s and generate an index i, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है ये रिटर्न कर देता है i। अब फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक पे सर्च किया कश्माल, ठीक है, क्या सर्च किया?
कश्मीर, ठीक है। सो इस ये जो ऑपरेशन इसने यहाँ पे किया है ना, इस ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो है ओ ऑफ कश्मीर। कश्मीर कितना बड़ा, कितनी बड़ी, कितना बड़ा लूप लगेगा, ये जो मैंने स्ट्रिंग सर्च की है ये कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेंथ की। सो ओ ऑफ वन ऑपरेशन तकरीबन लग रहा है, और ओ ऑफ वन में ये बता देता है कि ये वाला जो कश्मीर है ना ये किन किन आईडीज पे आया हुआ है। तो ये बेसिकली एक इंडेक्स जनरेट करता है, और बेसिकली जब हम करते हैं ना यहाँ पे एक एड, जब एड न्यू यूजर करते हैं, तो वर्ड एड न्यू यूजर करते हैं, तो उसको बेसिकली स्ट्रिंग और बेसिकली यूजर पे डालता है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग होता है, बेसिकली इसे स्ट्रिंग भी नहीं होता, उसमें आईडी भी होती है, बट खैर ये बेसिकली करता क्या है कि इसे कॉरेस्पॉन्डिंग वो यूजर आता है और वहां पे जाके ये वाला वो वाला वेक्टर ऐड कर देता है, और यहाँ पर इसका बेसिकली एक एड्रेस ले आता है। बात समझ आई? सो बेसिकली हैशिंग का काम, जो अनऑर्डर मैप है, उसका काम क्या है, ये ओ ऑफ वन में बता देता है कि ये वाला जो स्ट्रिंग है वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो फिर उसमें देख लेता है कि इसमें से कौन सा वाला कश्मीर है जिसके बारे में बात हो रही है, मजीद उसके ऊपर वो थोड़ी सी काम करता है, ठीक है। सो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट हैश मैप अगर हमारा टाइम मिला तो डिटेल में, ठीक है। मैं एक हेल्पिंग ट्यूटोरियल तो मैं लूंगा जो कि बेसिकली एसटीएल के ऊपर थोड़ा सा होगा दोबारा से, ठीक है। आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट हैश मैप अगेन, ठीक है। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे, हम अब वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ, आखिरी 10 मिनट और सवाल अच्छे खत्म, ठीक है। सो लुक एट दिस, सो बेसिकली ये जो हमने मेज बनाई थी, मेज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक है ये जिसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं, और एक है ये जिसको एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं, ठीक है। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के नुकसान है, ठीक है। चलिए सवाल क्या था, रोबोट के लिए हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था वो ये था, यू आर गिवन ए ग्राफ एंड डोंट फॉरगेट वन थिंग, ये आपको ये नहीं मिला, आपको क्या मिला है, आपको आपको ये तस्वीर नजर आ रही है लेकिन तस्वीर नहीं है, ये असल में क्या है, असल में इसकी जगह क्या मिला हुआ, एग्जैक्टली आपको इसकी जगह, आपको इसकी जगह क्या मिला होगा, आपको इसकी जगह बेसिकली इस तरह की मैट्रिक्स मिली होगी, ठीक है, या इस तरह क्या की एडजेसेंसी लिस्ट मिली होगी। And I am assuming that I am working on this adjacency list, ठीक है, क्योंकि हमें पता लग गया होगा कि इसके नुकसान बढ़े, ठीक है। ऑल राइट जी, अच्छा मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि बेसिकली मैंने निकालना है कि given two vertices, for example ये vertex दिया हो और ये vertex दिया हो, मैंने बताना है कि ये दोनों vertices आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, समझ में आगे बात है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपको यू वर्टेक्स दिया हुआ है और एक ये वी वर्टेक्स दिया हुआ है, और आपने बताना है ये दोनों वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपने मुझे बतानी है, ठीक है। ऑल राइट जी, एंड हियर इज समथिंग आई एम अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज I will do the following. So I am about to write a beautiful function, और वो थोड़ी सी बड़ी मजेदार मजेदार चीज करेगा, ठीक है। So what I will first I will going to do is, ये मैं basically इस vertex class में जाता हूँ, struct में जाता हूँ, और इसमें ना एक bool बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ visitor, और एक और काम भी कर लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ connected component number, ठीक है। मैं connected और एक है बूल विजिट, ठीक है, बूल विजिट, एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मैं करूंगा ये कि बेसिकली मैं करूंगा हर वर्टेक्स पे जाके मैं ना एक काम कर दूंगा, मैं ये एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ,
मैंने स्टक विद दैट. सो बेसिकली अब मेरा जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर ये दो एट्रीब्यूट भी शामिल होंगे, बुल इज विजिटेड और एक क्या ये. ठीक होगी बात, सही है, किसी को इतराज तो नहीं है? सर CNN CCN क्या था? कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर, कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर. ठीक है, ठीक है. अच्छा ये कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ. सो बेसिकली आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि बेसिकली कितने नोड्स कनेक्ट हो रही है, सॉरी कितनी हो रही है उसे. नहीं नहीं यार ये बात नहीं है कि जितने से कनेक्टेड है, बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि यार ये किस कंपोनेंट में लाया करता है. ठीक है, क्या आप आइडिया क्या, आइडिया सुन लो, आइडिया क्या. सो व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस, द आइडिया इज बेसिकली कॉल्ड एक्सप्लोरेशन. ठीक है, एंड हियर इज व्हाट इट विल स्टार्ट. ठीक है, सो बेसिकली ये मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, इसका नाम है, इसका नाम है एक्सप्लोर, ये है वॉइड, इसका नाम है एक्सप्लोर. एक्सप्लोर को ग्राफ पास होता है और एक वर्टेक्स वी पास होता है. ठीक है, वी आई इज बेसिकली द आईडी ऑफ दैट वर्टेक्स. ठीक है, और इसमें एक बेसिकली इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट नंबर पास होता है. ठीक है, ये करता क्या है, ये बहुत सिंपल सा काम, ये आते के साथ ही काम करता है, जी की डॉट वीज की वी आई पे जाता है और उसका डॉट विजिटेड इज इक्वल टू. ठीक है, पहला पहला काम इसने क्या किया, इसने आके साथ ही इसका जो विजिटेड है टू कर दिया. ठीक है, किसी को इतराज तो नहीं? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वर्टेक्स के ऊपर ये कॉल करूं तो ये आते के साथ ही इसका पहले इसका बूल जो है वो क्या कर देगा, वन कर देगा. तो पहले इसका बूल फॉल्स होगा और वो अभी आके इसका वो शुरू में ये इसको वो कर देगा. इस पर अगर मैं एक्सप्लोर कॉल करूँ तो इस पर ये क्या कर देगा, ये इसका बूल वन कर देगा. ठीक है, लिख दे. अगर मैं इसके अंदर लिख दूंगा तो फिर मुझे जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जी की जगह बेसिकली डायरेक्ट भी आ जाएगा. ठीक है, कोई इतराज नहीं किसी को, इतराज हो रही यार. अच्छा जी, तो ये फंक्शन जो है ना मैं ग्राफ की क्लास के अंदर लिख रहा हूँ, मैं इसको यू कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर आ जाता हूँ. सो बेसिकली ये इसके मैं अंदर लिख रहा हूँ. ठीक है, अच्छा अब ये बेसिकली पता क्या है. अच्छा बेटा आपको कोई इस पर कोई मसला हो तो मुझे फौरन आप बताइएगा प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हम करते क्या है, इसका विजिटेड जो है वो टू कर देते हैं. ठीक है, और हम एक फॉलो लगाते हैं, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन वी एस वी आई डॉट एंड डॉट साइज, और यहाँ कर देते हैं हम आई प्लस प्लस. ठीक है, और यहाँ मैं आता हूँ और यहां आके मैं क्या करता हूं, यहां मैं करता हूं इफ वी एस वी आई डॉट एन एस आई, अगर ये इसका डॉट विजिटेड में देखता हूं अगर वो डबल इक्वल टू फॉल्स है, यानी कि वो नबी तक विजिट नहीं हुआ हुआ, तो मैं ये करता हूं एक्सप्लोर को फिर से कॉल कर लेते. एग्जैक्टली, इस पे मैं एक्सप्लोर दोबारा कॉल कर देता हूं और एक्सप्लोर में अब मैं दोबारा से यह का जो वो पॉइंटर है उसको मैं डॉट में आईडी देखूंगा. ठीक है, ठीक है, आईडी उसका इंटीजर बता देगा
और मैं यहाँ पर बेसिकली दोबारा से CCN भेजूंगा, और बेसिकली यहाँ पर मेरा लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब बेसिकली ये तो मैं यहाँ आता हूँ, सिर्फ पहला कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर बेसिकली मैंने, अच्छा मैं तो यार मैं, और लेट से कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर मैंने शुरू में भेजा ये, मैंने यहाँ पे VI मेरा ये वर्टेक्स, ये वाला मेरा वर्टेक्स था जिसे मैंने भेजा, ठीक है, और कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर मैंने लेट से 3 भेज दिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, इस पे आप 3 असाइन कर देगा। ठीक है, हाँ जी, इस फिर ये किस पे कॉल करेगा, जिसने नेबर्स पे कॉल करनी है, तो नेबर में भेजा, आप कौन है नेबर में, एक ये और एक नेबर में ये है ना, ये किस पे कॉल भेजेगा, बेसिकली DFS बनाई है आपने। हाँ जी बिल्कुल कह रहा हूँ, ये बेसिकली इसके ऊपर इसकी इसका इसका विजिटेड भी 2 कर देगा और इसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर भी 3 असाइन कर देगा। ठीक है, फिर वो इसका कनेक्टेड कंपोनेंट कॉल करता है, इसका विजिटेड भी 2 कर देगा और इसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर भी 3 लिख देगा। ठीक है, और इस पर भी 1 कर देगा और कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 3 लिख देगा। ये जो आपने एक्सप्लोरेशन की है, ये एक्सप्लोरेशन करती है, ये एक तो उस उनके विजिटेड को 2 कर देती है। ठीक है, अगर एक बात और मत भूले, इसने इसने इसको कॉल किया, ठीक है, इसने वापस इसको भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ये कॉल करेगा वापस इसको? नहीं, कॉल से करेगा, क्यों नहीं करेगा, नॉट हो चुका विजिटेड, क्योंकि मैंने इसका विजिटेड जो है वो 2 हो चुका। एग्जैक्टली, तो ये जो इफ है ना, ये बड़ा पावरफुल इफ है, ये मत समझा। ठीक है, सो बेसिकली इस एक्सप्लोरेशन से क्या हुआ, ये वाला पूरा का पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर, कनेक्टेड कंपोनेंट ये आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यू के ऊपर कॉल करूं, तो जब मैं यू पे कॉल करूंगा तो क्या क्या एक्सप्लोर हो जाएगा, यू के ऊपर जब एक्सप्लोरेशन कॉल करूंगा तो फॉर एग्जाम्पल पहली कॉल इसने यहां पर कर दी। ठीक है, पहली कॉल इसने यहां पर कर दी, अब क्या होगा, ये कॉल वापस इसको यहां पर भेजने की कोशिश करेगा, ये आ सकता है वापस? नहीं, ये वापस क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसका विजिटेड 2 हो गया हुआ है, कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर भी हो गया हुआ है, लेट्स से कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 2 भेज दिया था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होगा, यहां पर आएगा, यहां से इसका विजिटेड 2 हो गया, इसका भी कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 2 हो गया और इसने कॉल आगे भेज दी, कॉल यहां आ गई, इसने कॉल यहां भेज दी। ठीक है, अब ये जो है, इसने भी बाद में इसका भी कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर भी 2 हो चुका हुआ है और विजिटेड इसका 2 हो चुका हुआ है, इसने यहां भेजी, इसका भी कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर भी 2 हो गया हुआ और इसका विजिटेड भी 1 हो गया हुआ। अब ये मजीद आगे कॉल कर सकता है, ये मजीद आगे कॉल कर सकता है? नहीं, ना ये वापस भेज सकता है, ना ये दे सकता है, तो ये बेसिकली इसकी कॉल खत्म हो जाएगी, तो ये वापस कॉल यहां पर आ जाएगी। ठीक है, और ये करेगा, ये दोबारा कॉल भेजेगा, लेट से वो कॉल दोबारा भेजेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भेजेगा तो क्या होगा, विजिट बन हो जाएगी, और ये क्या होगा, यहाँ से ये वापस आएगा, ये से कॉल पहले कॉल भेजने की कोशिश करेगा लेकिन ये ट्रू हो चुका तो नहीं आएगा, इसका मतलब इसकी ओवरऑल कॉल खत्म हो गई, तो ये वापस आ जाएगा, ये वापस आएगा, तो यहाँ से कॉल यहाँ भेजेगा। ठीक है, और इस तरह होते होते यू कैन एक्चुअली सी कि बेसिकली ये पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन यहाँ पे चलेगा और ये पूरा का पूरा चंक जो है वो आइडेंटिफाई होगा, इन सब का विजिटेड भी 2 हो चुका होगा और इसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर भी 2 असाइन हो चुका होगा। उसके बाद बेसिकली मैं देखता हूँ, हाँ भाई कोई और रह गया, अगर रह गया तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला मुझे पहला मिलता है जिस पर रह गया, मैं इस पर दोबारा से एक्सप्लोर कॉल करता हूँ और मैं कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर की वैल्यू जो है वो 1 भेजता हूँ। ठीक है, और ऑफकोर्स इसका ये ट्रू हो जाएगा और ये बेसिकली क्या होगा, इस पूरे चंक को 1-1 असाइन कर। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड एक्सप्लोर? ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सवाल करता हूं, मैं फंक्शन लिख रहा हूं, नाम है वॉइड फाइंड ऑल चंक्स, बल्कि ये कहना चाहिए फाइंड ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, इसको मैं यहां पे यू कर देता हूं। ठीक है, चलिए देखें आता क्या करता है। इसको ग्राफ मिला हुआ है, तो ये करता क्या है कि v's dot
पहले एक फॉर लूप लगाता है, इंटीजर आई इज जीरो, आई इज लेस देन वीज डॉट साइज, आई प्लस प्लस, और ये करता है वीज की, हाँ जी आई एथ एंट्री पे जाता है और उसका डॉट विजिटेड जो है वो क्या कर देता है, इज इक्वल टू फॉल्स कर देता है। और साथ एक और काम भी करता है कि वीज वीज की क्या कर दे, आई एथ एंट्री के डॉट कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर को क्या साइन कर दे, माइनस वन कर दे। एंड नाउ लुक एट दिस, यहां पे एक फॉर लूप लगाता है, इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, क्या करें भाई बताएं, वीज डॉट साइज आई प्लस प्लस, और यहां हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ भाई पहले तो मुझे ये बताओ ना कि क्या आई आईथ वर्टेक्स है वो क्या पहले एक्सप्लोर तो नहीं हो चुका हुआ, वो कैसे चेक करेंगे, इफ क्या चेक करें, हाँ सारा खत्म नहीं कर दिया हमने ये, अब मैं एसएल फंक्शन लिख रहा हूं जो बेसिकली तमाम कंपोनेंट नंबर कंपोनेंट निकालेगा, ठीक है। सही है, देखिए अब मैं एक काम करता हूं, इस ग्राफ में जाके एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूं, इसका नाम है इंट टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट्स कर देते हैं, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं इसको असाइन कर देता हूं जीरो। जीरो का मतलब बेसिकली क्या है, अभी कोई कनेक्टेड मतलब किसी ने अपना नेबर नहीं देखा, अभी तक मेरा कोई कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर नहीं मिला, ठीक है, अभी तक मेरा कोई कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर नहीं है, जीरो है, ठीक है। और मैं यहां जाता हूं, यहां पे जाके चेक करता हूं कि क्या आईएथ वर्टेक्स जो है उसका विजिटेड जो है वो क्या डबल इक्वल टू फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो मैं एक काम करता हूं, ये देखिए मैं करता क्या हूं, पहला काम तो ये करता हूं ना, कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर क्या नाम था उसका, टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट था, टोटल क्या नाम था उसका, टोटल सीसी, ठीक है। मैं करता हूं कि हाँ भाई ये मुझे पहला कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया है, इसको मैं प्लस प्लस कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और मैं यहां पर कॉल कर देता हूं एक्सप्लोर, एक्सप्लोर क्या करेगा, एक्सप्लोर में मैं वी एस का आईएथ एलिमेंट का डॉट आई डी भेज दूंगा और इसका मैं कह दूंगा कि ये मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो बेसिकली पहली कॉल इस पे जाएगी, पहली कॉल किस पे जाएगी ये बताएं, पहली कॉल किस पे जाएगी ये बताएं, जो पहला उसे अनएक्सप्लोर मिलेगा, तो उसे पहला वर्टेक्स अनएक्सप्लोर मिलेगा, वो लेट्स से मुझे यहां पर ये मिल गया, ये तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस अब पहली एक्सप्लोरेशन से जब वो वापस आएगा तो इस तमाम चंक को वो वन 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 कर चुका होगा, डू यू एग्री सर, नहीं समझा मैं उधर से, मतलब एक मिनट, अभी आपने क्या किया, ऊपर पूरे ग्राफ को रीसेट मार दिया था, सबको आपने जाके फॉल्स किया और आपने सीसीएन, अब वो मतलब बिल्कुल इस तरह जैसे हो गया जिस तरह अनएक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड, बिल्कुल ठीक बात। अब मैंने क्या किया, मैंने लूप लगाया और मैंने कहा कि ऐसा करो पहले वर्टेक्स के ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर दो, ठीक है, पहले वर्टेक्स के ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर दो, ठीक है। अब वो बेसिकली क्या, पहला वर्टेक्स जैसे ये है तो वो इसको वन वन करेगा, फिर इसको वन वन करेगा, फिर इसको वन वन करेगा, इन तमाम इस तमाम पोर्शन को वो वन 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 कर देगा, डू यू एग्री, अच्छा। अब वो दोबारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू टू होगी, अब लेट्स से टू ये था, ठीक है, वन ये था और टू ये था और लेट्स से थ्री ये था और लेट्स से फोर ये था, ठीक है, फिर लेट्स से फाइव ये था, ठीक है, और फिर लेट्स से सिक्स ये था, मैं हमें रैंडम नंबर देता जा रहा हूं, ठीक है, और सेवन ये था और फिर ये एट था और ये लेट्स से नौ था, ठीक है। आप देखें पहले वन पे कॉल गई, इसने ये वाला चंक सारा का सारा विजिटेड टू कर दिया और इसे कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर की वैल्यू क्या कर दी, वन कर दी। क्यों वन कर दी है, क्योंकि इसने उसने अनविजिटेड नंबर देखा था तो इसने टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट को वन कर दिया, ठीक है, और वही इन सब की आईडी थी, ठीक है। अब जब ये लूप दोबारा चलेगा तो वन के बाद है टू, तो पहले जीरो पे कॉल हुई है, जीरो ये वाला जीरो था, इससे कनेक्शन शुरू हुआ है, ठीक है।
जब जीरो के बाद वन की बारी आई तो वन भी पहले एक्सप्लोर हो चुका हुआ है, तो वन पे कॉल दोबारा जाएगी रिकर्सिव की, वन पे रिकर्शन कॉल दोबारा जाएगी एक्सप्लोर की? नहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। फिर टू पे जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी ना, टू भी एक्सप्लोर हो चुका हुआ है, थ्री भी एक्सप्लोर हुआ हो गया भाई, सारा एक्सप्लोर हो चुका हुआ ना। मैंने जब मैंने जीरो पे एक्सप्लोर कॉल किया था तो ये पूरा चंक जो है सबको वन वन उसने कर दिया था, ये भी वन वन कर दिया, ये भी वन वन कर दिया, इन सब के ऊपर उसने वन वन कर दिया, इन सब के ऊपर वो वन वन कर चुका हुआ है, तो ये वाला पूरा का पूरा चंक है वो उसको सब तमाम को वन वन कर चुका हुआ है। सर वैसे इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता? इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। अभी तुम खामोश रहो, अभी तुम खामोश रहो, अभी तुम खामोश रहो, अभी जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है? ऑलराइट जी, अब वो क्या करता है, अब उसे जब थ्री के बाद फोर मिलता है तो फोर ये है, मुर्दा फोर एक्सप्लोरेशन अभी तक कॉल हुई है? फोर का विजिटेड जो है वो क्या है? फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर टोटल कंपोनेंट नंबर प्लस प्लस कर देगा, विच मीन्स उसकी वैल्यू हो जाएगी दो, और इसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर देगा। अब इसके ऊपर से एक्सप्लोरेशन शुरू होगी, यानी कि ये हो जाएगा क्या, विजिटेड टू, और कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर की वैल्यू हो जाएगी दो, और इसके थ्रू ये पूरा का पूरा तमाम का तमाम चंक जो है उसको वन टू असाइन हो जाएगा, इस तमाम के तमाम चंक को असाइन हो जाएगा वन कॉमा टू। अब ये फोर के बाद फाइव से चलना है, सिक्स ने चलना है, सेवन ने चलना है, एट ने चलना है, इन सब के ऊपर एक्सप्लोरेशन कॉल, जब ये एक रिकर्शन कॉल होके आ गई है तो फिर अब दोबारा से ये वाला जो लूप है उसे दोबारा से कॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है? अब जब ये दोबारा से चलता चलता नौ पे पहुंचेगा, जब नौ पे पहुंचेगा तो नौ ये है, तो क्या होगा, अब नौ के थ्रू ये वाला चंक पूरे का पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा, और हर एक के ऊपर वन थ्री वन थ्री वन थ्री आ जाएगा। नाइन के बाद टेन लेट्स से ये वाला है, तो ये इसके ऊपर कॉल नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये पहले एक्सप्लोर हो चुका हुआ है विद प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन एंड एक्सप्लोर इज इक्वल टू। अब एक बात बताएं, प्रॉब्लम था रोबोट का क्या? हाँ जी, ये रोबोट का प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व करना था, क्या प्रॉब्लम था बेटा? Whether the path exists between location one and location two, ठीक है? इधर आ जाते हैं। हाँ जी, bool path exists, इसको int id one मिलती है, बल्कि int id one मिलती है, बल्कि काम करते हैं, हम edge pass करते हैं, इन दोनों के दरमियान में मुझे बताएं क्या पाथ एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? CCN कंपेयर कर लेंगे, सेम होए तो एग्जिस्ट करता है। सो रिटर्न VS की ई डॉट सोर्स एंट्री पे गए, उसका डॉट कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर देखा, अगर वो डबल इक्वल टू है VS की ई डॉट डेस्टिनेशन, इसका डॉट कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर देखा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो रोबोट कहेगा कि मैं यहां पर जा सकता हूं, और अगर नहीं है बराबर तो इसका मतलब मैं वहां पर नहीं जा सकता। सर राज, मल्टीपल सीसीएन भी तो हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दोबारा बोलो। नहीं 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 हो सकते, नहीं हो सकते, एक दफा विजिटेड ट्रू हो गया तो फिर दोबारा उस पर कॉल नहीं जानी, ठीक है? So that's it, ठीक है? So I suppose you enjoyed the lecture, ठीक है? I think हमने बहुत ज़्यादा detail में उसकी implementation level पे भी बात कर दी, ठीक है? So I was just wanna explain it to you. So basically this is called DFS. DFS basically करता क्या है? आते ही visited को do कर देता है, उसको pre-visit कर देता है. Pre-visit basically मैं अगली class में आपको बताऊँगा. Basically हमने यहाँ पे pre-visit में क्या किया? उसको उसका connected component number assign किया. ये connected component number, ठीक है? लेकिन ये जो प्री विजिट है ना, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, बेसिकली वो क्या करता है, क्लॉक सेव करता है, और क्लॉक सेव करता है यानी प्रीवियस में एक क्लॉक रखता है, और क्लॉक एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, जिस या ग्लोबल ना कहें तो आप ग्राफ के अंदर ही मैंने एक और एट्रीब्यूट रखा हुआ है, इस तरह मैंने अभी मैंने एट्रीब्यूट भी रखा हुआ था यहाँ पे, ये ग्राफ के अंदर हमने कौन सा एट्रीब्यूट रखा हुआ था, ये कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर रखा था, इस तरह उसने एक बेसिकली एक और वेरिएबल रखा हुआ है जिसका नाम रखा है क्लॉक,
और क्लॉक जो है ना वो इनिट में क्लॉक जीरो हो जाता है, और जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है ना तो एक्सप्लोरेशन में वो क्या करता है, जैसे ही कोई वर्टेक्स आता है, आते के साथ ही उसको वी एस वी आई हर वर्टेक्स में भी उसका उसका यहाँ प्रीवियस में रख देता है क्लॉक की वैल्यू और क्लॉक को पस पस कर देता है, और यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक है प्रीवियस और यहाँ पे है फाइनल, और फाइनल में भी एग्जैक्ट यही कर देता है। ये दो लाइन इसने लिखी हुई है जो कि हमने यहाँ पर ये लिखी हुई थी, ठीक है। और बेसिकली ये जो प्रीवियस और फाइनल है ये इसने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए। किधर गया हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स में यहाँ पे इसने दो इंटीजर रखे, एक इंटीजर प्रीवियस और एक है या फाइनल। ये क्लॉक की वैल्यूज हैं। कल हम आप अगली दिन आप परसों हम आपकी क्लास में बताएंगे आप इन दोनों नंबर्स का फायदा क्या है, ठीक है। तो दैट्स द ओनली चेंज इट डज कि वो प्रीवियस और फाइनल को स्टोर करता है, ठीक है। और कल हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि आपको ये प्रीवियस और फाइनल का एडवांटेज क्या है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका ग्राफ है। अगर मैं इस पर कहूँ कि मैंने एक्सप्लोरेशन कॉल करनी है तो अगर मैं इस पर एक्सप्लोर कॉल करूंगा इस वाले वर्टेक्स पर तो ये इस पर वन लिखेगा, ठीक है। वन से लेट से इधर जाता है तो यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फोर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इससे आगे एक्सप्लोरेशन कॉल नहीं हो सकती तो यहाँ पे इसका फाइनल सेट करेगा, ये हो जाएगा फाइव, ठीक है। अब ये यहाँ से वापस आया, अभी तक भी ये फाइनल फाइव अगला नंबर नहीं ले सकता, क्यों, इसकी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट नहीं हुई। ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे करेगा फाइव के बाद सिक्स, ठीक है, और सिक्स के बाद यहाँ पे सेवन लिखेगा क्योंकि आगे एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकती। वापस आएगा यहाँ पे, अब एक्सप्लोजिव एक्सप्लोरेशन कॉल नहीं हो सकती तो ये कंप्लीट हो जाएगा, आठ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आएगा, यहाँ आके ये टू के बाद यहाँ पे लिख देगा नाइन, यानी इसकी भी एक्सप्लोरेशन खत्म हो गई है। यहाँ आएगा, हाँ जी टेन लिख दे यहाँ पे, अभी तक रहता है कुछ, अभी रहता है तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा टेन, ठीक है, और ये इससे आगे नहीं कॉल कर सकता क्योंकि उसका टू हो चुका हुआ है। यहाँ पे कर देगा इलेवन, ठीक है, ये खत्म हो गया, वापस आया और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो इस तरह बेसिकली डीएफएस काम कर रहा था। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये जो नंबर्स जो है उसका फायदा क्या है। मेरे ख्याल में लेक्चर को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सो स्टॉप रिकॉर्डिंग।